बड़वा में कुछ दिनों पहले हुई अतिक्रमण कार्यवाही का विरोध जिला मुख्यालय तक पहुंच गया है। मंगलवार को जनसुनवाई में बड़वा रहवासी ने खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद्र दाड और बाद में खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को एक शिकायती आवेदन दिया। व्यापारियों ने बताया कि अचानक बिना सूचना और बिना नोटिस दिए हमारी दुकानें तोड़ी गई। 52 फीट तक निर्माण तोड़ने का काम स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और अमले ने किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। व्यापारियों ने इस कार्यवाही में भेदभाव के आरोप लगाते हुए शिकायती आवेदन दिया। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। एक याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट ऑफ कंडम लगा हुआ था जिसमें कलेक्टर साहब की जमानत हुई थी और जिस जगह का अतिक्रमण हटाना था इंदिरा मार्केट का, वहाँ का नाला खुलना करना था, उसके साथ में ये 54 गरीब दुकानदारों को भी इन्होंने साफ कर दिया बिना किसी सूचना के और बिना किसी नोटिस के। जबकि वो कलेक्टर साहब ने जो गाइडलाइन डाली थी कमिश्नर साहब ने 2016 के अंदर सिंहस्थ में, उस 33 के जहोजहद को छोड़ के वो अपना व्यवसाय बहुत पीछे कर रहे थे, लेकिन उनको 52 फीट तक साफ कर दिया गया। और संबंधित जो पूर्व दिशा के अंदर जो लोग रहवासी और जिनके जो अपने धंधे लेके बैठे हैं वो 33 की जद के अंदर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जबकि हमको 52 फीट तक साफ कर दिया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। क्या लगता है कि रसूखदारों के जो है? हाँ, रसूखदारों के मकान और प्लाट और उनके सब धंधे चल रहे हैं, रसूखदारों को छोड़ दिया गया है। बड़वा में स्थानीय प्रशासन के द्वारा भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है। एक ही पट्टी तोड़ी गई है। 54 दुकानदारों को जो नाजायज हटाया गया और उनके साथ जो अन्याय किया, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं उनके साथ ये तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। वहाँ का तो कोई कोर्ट ऑफ कंडम था ही नहीं, उस वहाँ तो अतिक्रमण था ही नहीं। नगर पालिका को 30 साल से किराया दे रहे वो लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।